नमस्ते बच्चों, मैं हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, भवानी खेड़ा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। यह वीडियो जो है बच्चों, यह 5वें सेमेस्टर BSc के विद्यार्थियों के लिए है। तो तीसरे सेमेस्टर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स से पहले हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स की शेप और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कैसी ज्योमेट्री होती है, उसमें डी ऑर्बिटल्स की कैसी कैसे स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चों हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ बातें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो कंपाउंड की या फिर हाइब्रिडाइजेशन पता हो, तो हम कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते थे। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता है हमें कॉम्प्लेक्स की, तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर बता सकते थे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की बच्चों के कोई मेटल आयन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने लग रहा है, कभी वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने लग रहा है। और मेटल आयन के या फिर कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोई बात हमें नहीं बताई थी। तो इसके बाद बच्चों आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहले बच्चों पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दो जो मेन इसके पोस्टुलेट हैं बच्चों, वो ये हैं कि एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को प्योरली आयनिक मानती है। जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो तो बच्चों मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को कोवलेंट मानती थी, कोवलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको बोलते थे। लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो इसको प्योरली आयनिक इलेक्ट्रोस्टेटिक मानती है। कोऑर्डिनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मेटल को और लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है बच्चों। उसके बाद जो लिगेंड जो है वो मेटल को जब अप्रोच करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी अलग हो जाएगी, वो उनकी एनर्जी जो वो स्प्लिट हो जाएगी। ये जो स्प्लिटिंग है एनर्जी में, ये सबसे ज्यादा डी ऑर्बिटल्स के केस में देखी जाती है, स्टडी की जाती है। इसके बाद बच्चों आपके डी ऑर्बिटल्स की शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो आपको बच्चों पता है कि डी जो सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और लास्ट जो है वो है डी जेड स्क्वेयर। इनकी शेप और ओरिएंटेशन समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। डी एक्स वाई जो है बच्चों, उसमें लोब जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में, ध्यान रखना बच्चों, इन बिटवीन द एक्सिस बट इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन में। डी वाई जेड में, वाई जेड प्लेन में, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के बीच में, जेड एक्सिस में, नहीं सॉरी, डी जेड एक्स में, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, लेकिन डी, लेकिन जेड एक्स प्लेन में। डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में क्या होगा बच्चों, एक्स वाई प्लेन में, लेकिन अलोंग द एक्सिस लोब होंगे, एक्स वाई, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इनका डिफरेंस समझो बच्चों। इसमें जो लोग हैं वो अलोंग द एक्सिस हैं, इसमें जो लोग हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं, हैं इसमें भी एक्स वाई प्लेन में और इसमें भी एक्स वाई प्लेन में, प्लेन वही है लेकिन रोटेशन से, घूमने से वो क्या हो गया, एक में इन बिटवीन द एक्सिस आ गया डी एक्स वाई में लोग, और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में लोग कहाँ आ गए, अलोंग द एक्सिस, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा आपको। और डी जेड स्क्वेयर में जो लोब है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, लेकिन एक एक्स वाई प्लेन में एक यहां पे डिस्क होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसके बाद है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सबसे पहले बच्चों आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगेंड होते हैं और वो मेटल से इक्वली डिस्टेंट पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये प्लेन एक मान लेते हैं, इसमें सेंटर पे मेटल है और यहां 4 जो बुक के कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 कोनों पर 4 लिगेंड अटैच, 5वां लिगेंड अबव द प्लेन, 6ठा लिगेंड यहां नीचे बिलो द प्लेन। तो ऐसे ही आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी बच्चों।
अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझते हैं, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को समझते हैं, तो बच्चों कैसे होएगा कि मेटल जो है वो हम एक क्यूब के सेंटर में अज्यूम कर लेंगे, मेटल आयन प्रेजेंट है क्यूब के सेंटर में, और जो लिगेंड्स आने लग रहे हैं वो आएंगे अलोंग द फेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स को हमने एक क्यूब मान लिया, इसके सेंटर में मेटल प्रेजेंट है, यहां पर मान लिया आपकी तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ मान लिया वाई एक्सिस, तो जो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस आपकी तरफ वाई एक्सिस इस तरफ, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कंटेन करने लग रहा है, ये प्लेन हो जाएगा बच्चों आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में अब डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई दूसरा ऑर्बिटल है, तो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के लोग कहां होंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के इस फेस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो इस फेस से आ रहा है और वाई एक्सिस इस फेस से आ रहा है, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के लोग कहां होंगे बच्चों, इस फेस के सेंटर में और इस फेस के सेंटर में ओरिएंटेड, एक पीछे वाले फेस के सेंटर में ओरिएंटेड जहां पर माइनस एक्स है और जहां माइनस वाई है इस फेस के सेंटर के अलोंग, यहां तो आपके एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के लोग होंगे, जो एक्स वाई है डी एक्स वाई उसके लोग कहां होंगे बच्चों, एक्स वाई प्लेन में लेकिन इन बिटवीन द एक्सिस, तो एक एक्सिस इस तरफ है एक एक्सिस आपकी तरफ इस तरफ है, इन बिटवीन द एक्सिस कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें जो ये एज है ये इन बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि एक एक्सिस इस तरफ आ गया एक एक्सिस इस तरफ आ गया, इन बिटवीन द एक्सिस कहां बच गया, ये जो एज बच गया इस तरफ, इन चारों एजेस की तरफ किसके लोब होंगे बच्चों, डी एक्स वाई के। तो इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो इन बिटवीन द एक्सिस थे उनके लोब, अब जो लिगेंड है वो कहां से आने लग रहा है, फेस सेंटर की तरफ से, फेस सेंटर की तरफ से लिगेंड आने लग रहा है, लीगेंड किन ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा रिपल्शन करेगा, जो ऑर्बिटल्स लीगेंड की तरफ डायरेक्टली ओरिएंटेड हैं, लीगेंड फील्ड जो है, लीगेंड जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किन ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा इंट्रैक्शन करेगा, ज्यादा रिपल्शन करेगा, जो ऑर्बिटल्स के लोब डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड लीगेंड्स हैं, तो यानी कि डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के लोब जो फेस सेंटर की तरफ हैं वो उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, और डी जेड स्क्वेयर क्योंकि फेस सेंटर की तरफ से ही लीगेंड आने लग रहा है और फेस सेंटर की तरफ ही डी जेड स्क्वेयर के लोब ओरिएंटेड है, समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद जो इन बिटवीन द एक्सिस वाले लीग ऑर्बिटल्स बच गए, यानी कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, उनके लोब जो है वो कहां है, इन तरफ जो इनके एज हैं एजेस की तरफ, लेकिन एजेस की तरफ से डायरेक्टली कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा, डायरेक्टली लिगेंड जो आने लग रहे हैं वो कहां से आने लग रहे हैं, फेस सेंटर की तरफ से, तो इससे क्या होगा, जो जो आपके ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स डायरेक्टली ओरिएंटेड हैं लिगेंड्स की तरफ उनकी एनर्जी तो ज्यादा एक्सटेंट से रेज कर जाएगी, ज्यादा रिपल्शन होगी, और जो ऑर्बिटल्स के लोब इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो लिगेंड से कुछ दूर रह जाएंगे, हालांकि नजदीक तो आएंगे, एनर्जी उनकी भी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन उतने ज्यादा एक्सटेंट से नहीं होगी, जबकि जितनी की डायरेक्टली जिन ऑर्बिटल्स के लोब ओरिएंटेड हैं उनकी होने लग रही थी। ये मेरे ख्याल बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो जो डी ऑर्बिटल्स है बच्चों उसकी एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी, तीन एक सेट के एनर्जी के ऑर्बिटल और दो एक सेट के, जो तीन होंगे उनकी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वो होंगे कम एनर्जी वाले जिनमें थोड़ा सा कम रिपल्शन हुआ, और जो दो होंगे वो होंगे ज्यादा एनर्जी वाले डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ये इनके तो डायरेक्टली ओरिएंटेड है लिगेंड की तरफ, इनको कहेंगे बच्चे हम ई जी, और जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है इनको हम कहेंगे टी टू जी, ऑर्बिटल्स के सेट का नाम बना दिया ई जी और टी टू जी। यहाँ पे देखो बच्चों डायग्राम में ये एनर्जी फ्री मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हुआ टी टू जी एक सेट बन गया, इसमें कौन से ऑर्बिटल हैं ये तीन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और इसमें ई जी में कौन से हैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा लेवल से रेज कर गई, तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज तो करी रिपल्शन की वजह से लेकिन कम रेज करी, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के एवरेज या वेटेड मीन लेना है, यानी कि ये जो एनर्जी रेज हुई है हम इनका एवरेज और वेटेड मीन लेंगे, उस मीन से क्या होएगा, बेरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंग लेंगे बच्चों, के जो दो ऑर्बिटल हैं
उनकी एनर्जी जितने अमाउंट से रेज की है उसका मीन, उसका वेट जो है वो तीन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम रेज की थी उन दोनों का मीन ले लेंगे वेरी सेंटर के अकॉर्डिंग। तो इनकी एनर्जी को हम डाउन दिखा देंगे और इनकी एनर्जी को हम रेज दिखा देंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, ये बन गया 0.6 डेल्टा नोट से इनकी एनर्जी रेज होगी और इनकी एनर्जी 0.4 डेल्टा नोट से डाउन होगी या कम हो गई। डेल्टा नोट या फिर इसको हम डी क्यू भी बोल सकते हैं। डेल्टा नोट जो है वो 10 डी क्यूब के इक्वल होता है बच्चों। ये देखो जो 0.4 डेल्टा नोट है इसको हम 4 डी क्यूब भी बोल सकते हैं, 0.6 डेल्टा नोट है इसको हम 6 डी क्यूब भी बोल सकते हैं। वेट एवरेज वेटेड मीन जो मैं बता रहा था वो कैसे है, जैसे ये दो ऑर्बिटल हैं तो 6 दूनी 12 डी क्यूब ऊपर गया, और ये जैसे चार और ऑर्बिटल्स हैं तो चार ये सॉरी तीन ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल की एनर्जी 4 डी क्यूब से डाउन हुई है, तो चार ये 12 डी क्यूब इसकी एनर्जी डाउन और 6 दुनी 12 इनकी एनर्जी दो ऑर्बिटल्स की अप। इस तरीके से इनका वेटेड मीन लिया है। इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे स्प्लिटिंग होती है, उसके बाद टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।